नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत सरकार आदेश पर आदेश पारित करती जा रही है, लेकिन नजारे में इसका रिजल्ट कुछ और ही निकल रहा है। जहां सरकार के आदेशों के खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा ही मामला बदायूं जिले में विकास खंड इस्लाम नगर के गांव राजपुर रोशन नगर में बने ग्राम पंचायत सचिवालय में सामने आया है। जहां गांव में बने ग्राम पंचायत सचिवालय प्रांगण में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सचिवालय प्रांगण में लगा इंडिया मार्का सरकारी हैंडपंप भी लगा गंदगी का ढेर साबित कर रहा है कि सचिवालय प्रांगण की पिछली काफी समय से सफाई न होने के कारण हैंडपंप भी खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने गेट पर अपने कबाड़ कूड़ा लगाकर पूर्ण तरीके से कब्जा कर गंदगी का आवार लगा रखा है। सब कुछ देखने के बाद भी ग्राम पंचायत सचिव से लेकर विभागीय अधिकारियों ने साफ सफाई कराकर उसमें बैठना उचित नहीं समझा है, जबकि सरकार के आदेश अनुसार डीएम बदायूं भी स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार पेच कस रहे हैं, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी उनके आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाकर स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को कागजों में निपटाकर आदेशों का उल्लंघन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। वही ग्रामीणों ने बताया कि यहां कोई भी अधिकारी नहीं आते और पिछले कई महीनों से सचिवालय प्रांगण में साफ सफाई भी नहीं हुई है। मामले में वीडीओ चार्ज प्रभारी इस्लाम नगर अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं था, ग्राम पंचायत सचिव को सूचना दे दी है, जल्द ही ग्राम पंचायत सचिवालय की सफाई करा दी जाएगी। खंड प्रभारी है और सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो जिला तक सकते हैं, फिर भी ये आज दिन सचिवालयों में शिकायत मिल रही है कि आखिर गंदगी रहना, जैसे अपने अभी फिलहाल राजपुर में पाई गई है, क्या ऐसे मुख्य कारण है जो अभी तक स्वच्छ भारत के तहत अभियान अपना सफल नहीं हो पा रहा है? कराएंगे, हमें जानकारी नहीं थी सब इसके विषय में। वैसे जो काफ़ी हमने सचिवालयों को जीर्णोद्धार कराया है, जो पहले बने हुए हैं उनको रख रखाव सही कराया है, ये इसकी जानकारी मिली है, उसे भी सही कराएंगे। अच्छा, क्या यहाँ के अलावा कभी और कोई शिकायत मिली कि हम वहाँ भी सचिवालय बंद पड़ा है, वहाँ भी गंदगी पाई गई है, क्या ये पहला चांस है? नहीं, मिली थी अचलपुर गाँव की मिली थी पहले, वो सही करा दिया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया वो सही करा दिया। कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये कमियां कहां से आ रही हैं और इसका आप श्रेय मेन किसको देंगे? रख रखाव और उसका तो प्रधान और सचिव को ही रखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, सरकारी संपत्ति भी है और एक सचिवालय अपना उनका सचिवालय भी है। अब माना जाए वर्तमान स्थिति में तो प्रधान कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो सचिव सचिव साहब से कह के उससे सफाई कराई जाएगी, उसका रख रखाव ठीक से कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह, आप यहीं के निवासी हैं? आप ग्रामीण सचिवालय राजपुर रोशन नगर पे हैं, खड़े हुए हैं, यहाँ पर सफाई जो दिख रही है आपको, कब से नहीं हुई है ये? पाँच छः महीना हो गए। पाँच छः महीने हो गए, कोई अधिकारी आता है यहाँ पर? हमें तो कभी देखे ना। अब तो खैर प्रधान का जो है कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म हो गया। और पहले प्रधान आते थे यहाँ पर? हाँ आते थे। कहाँ के हैं वो? यहीं के, इसी गाँव के हैं। इसी गाँव के हैं। और ये इतनी गंदगी पड़ी है तो किसी से शिकायत की यहाँ के ग्रामीणों ने? नहीं करी। और ये नल भी खराब था, नल कब से खराब पड़ा है? नल भी छः महीने हो गए। छः सात महीने से कोई अधिकारी नहीं आया अब तक? आपका क्या नाम है? उमेश कुमार। यहीं की निवासी है? हाँ। ये सफाई गंदगी दिख रही है, हर कमरे के पीछे गंदगी है, झाड़ी खड़ी हुई है, कब से नहीं हुई आखिर? ये तो पाँच छः महीने हो गए। पाँच छः महीने से नहीं हुई है? कोई अधिकारी सचिव या वीडियो वगैरह आते हैं? नहीं नहीं, नहीं आते हैं, नहीं। किसी को ध्यान नहीं है। सर क्या नाम है? राजपाल। राजपाल, आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, ये सफाई गंदगी इतनी मतलब भरी पड़ी है, हर कमरे के पीछे गंदगी है, कोई अधिकारी आता है? कोई इतना अधिकारी आता है ना, कोई गांव का कराता है, कोई सफाई नहीं, कोई क्या बारात किसी की बारात रुकती है वही सफाई फवाई करवा देता है, वैसे कोई कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? ये कोई लगे हुए हैं, ये किसके हैं? ये गाँव के लिए, ये ग्रामीणों के हैं। किसी ने मना नहीं किया? कौन मना करेगा यहाँ तो गाँव का, आगे कौन मना करेगा? ये गंदगी से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कभी सफाई हुई नहीं है। नहीं हुई, होती नहीं है सफाई, होती नहीं। ठीक। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।